हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सही तबीयत मिसाल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड की मेरा हॉस्पिटल का वीडियो है। मेरा ऑपरेशन हुआ था लेप्रोस्कोपी से, तो उसका ही वीडियो है। मैं हॉस्पिटल में थी तब, ये 6-7 फरवरी की बात है, संडे का दिन था। मेरे को अचानक से लेफ्ट साइड मेरे पेट में दर्द उठा, तो मेरे को लगा नॉर्मल पेन है और मैं ऐसी मतलब गर्म पानी सेकाई की, लेकिन दर्द आराम नहीं हुआ और मेरे को एक बार वोमिटिंग भी हो गई। तो मैं नॉर्मल है बोलकर, स्टोन का पेन है शायद बोलकर, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चली गई। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे मतलब 2-3 घंटे में ही 6-7 इंजेक्शन लग गए, ड्रिप चढ़ गई, पर फिर भी वहाँ इंजेक्शन लग गया, ड्रिप चढ़ गई, पर फिर भी मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। और देखते देखते मेरा दर्द बढ़ते ही जा रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना पेन क्यों हो रहा है। मुझे तो स्टोन लग रहा था, बट उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था वहाँ के डॉक्टर को। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था, मतलब कुछ भी केयर नहीं, कुछ भी देख रेख नहीं, अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा तब पता चलेगा, लेकिन रात हो चुकी थी तो अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट मंडे के दिन सुबह सुबह मेरा मतलब फिर लैब में अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए दिखाने, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन थी, तो हम सोचे प्राइवेट में चलते हैं क्योंकि दर्द मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैं प्राइवेट में गई, मैडम को दिखाई, मैडम देख कर मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वो शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मतलब कुछ दिक्कत तो लगी थी लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बताया। और फिर मुझे MRI स्कैन के लिए बोला कि CT स्कैन होता है उसी तरीके से MRI स्कैन होता है, तो उसके लिए बोला। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ करवाई MRI स्कैन, उसमें फिर मैडम ने देख के बताया कि मेरी जो लेफ़्ट साइड की ओवरी है वो डैमेज हो गई है और मतलब पूरी ख़राब हो गई थी और उसका इन्फेक्शन फैलते जा रहा था पेट में और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे को दर्द इतना बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैडम ने अचानक से बोल दिया कि मुझे मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा बोल के लेप्रोस्कोपी से ही। लेकिन ऑपरेशन तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, ऑपरेशन का नाम सुनकर ही मैं डर गई थी। अचानक से सब कुछ मतलब कुछ भी, ना दर्द, ना सिम्टम्स, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं। अचानक से एक दिन दर्द उठा, दूसरे दिन, ये मेरा ऑपरेशन का ही है, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन का ही वीडियो है। अचानक से सब कुछ हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्यों इतना बड़ा। और मैं मैडम को बोली कि हम 1-2 दिन में करवा लेंगे, आप दवाई दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जो हमारा स्किन वाले हैं उन्होंने भी मुझे ऐसी कह दिया था कि सीरियस प्रॉब्लम है, आप मैडम को जल्दी दिखाओ बोलकर। मतलब एक दिन में ही दर्द उठा और दूसरे दिन मतलब अल्ट्रासाउंड, MRI स्कैन और ऑपरेशन, मतलब सब कुछ इतना अचानक से हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने मैडम से कहा कि अभी हमारे पास मतलब यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों हैं, तो हम ऑपरेशन कुछ दिन बाद कराएं। मैडम ने कहा नहीं, बहुत सीरियस है, अगर अभी नहीं कराओगे तो उसका जो इन्फेक्शन है वो फैलता जा रहा है, इसलिए दर्द बढ़ता ही जा रहा। और सच में मुझे इतने इंजेक्शन, दवाई सब लगा मिला, लेकिन किसी चीज़ में आराम नहीं था और बढ़ते जा रहा था। मैं जहाँ भी जा रही थी अल्ट्रासाउंड के लिए, MRI स्कैन के लिए, मैं बहुत रो रही थी एकदम, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मुझे मतलब मंडे के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, एक दिन में ही मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ, बीमारी पता चला, सेकेंड डे मेरा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ अचानक से हुआ। मतलब इतनी सीरियस कंडीशन थी कि अगर मैं शायद लेट करती तो शायद ही मतलब मैं बच भी पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गई थी। फिर ऑपरेशन हुआ लेप्रोस्कोपी से, उसके बाद मेरा जो लेफ़्ट साइड का ओवरी है उसे निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि बहुत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी फैल गया था, और इन्फेक्शन भी पूरे पेट में फैल चुका था, तो उसके लिए भी फिर दवाइयाँ चली। और सब कुछ अचानक से हुआ, बहुत परेशान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। एक दिन अचानक से मतलब पेट में दर्द होता और इतना सब कुछ हो गया, ना पहले से कोई सिम्टम्स थे, ना कुछ दर्द, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अचानक से हो गया, कुछ समझ नहीं आया कैसा क्यों हो गया। हेलो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अभी घर, और आके मैंने अपने कपड़े उपड़े चेंज कर लिए, बहुत थकान सी हो रही है मुझे, कुछ खाया पिया नहीं है शायद इसलिए। और हाँ, पाँव भी कैसे हो गए एकदम से, चेहरा भी मेरा एकदम ड्राई हो गया। मैं कुछ भी नहीं लगाई, तीन चार दिन की कुछ भी नहीं लगाई, इसलिए मेरे बाल तो एकदम ख़राब हो गए। पता नहीं कैसे वॉश होंगे, कैसे धोंगे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। पर मैं घर आ गई हूँ,
धीरे धीरे सब ठीक हुआ। अभी मैं बनाई थी दाल, मतलब मैं नहीं बनाई थी, मतलब मैं खाई हूँ सिर्फ दाल का पानी पी हूँ, मतलब बस। अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड, आज मैं बहुत दिन बाद, बहुत नहीं फिर भी 5-6 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद से बहुत कुछ बदल गया था। इतनी थकान, इतनी कमज़ोरी आ गई थी। आज फिर से मतलब ड्रेसिंग के लिए जाना है मैडम के पास, हॉस्पिटल जो लगा हुआ था, मतलब पट्टी वट्टी ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो सब वो ड्रेसिंग करेगी और देखेगी ठीक हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए जाना है। इसलिए मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ थोड़े बहुत, और कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ऑपरेशन होने के बाद, उठने में, बैठने में, हर चीज़ करने में, जब आपके साथ कोई ना हो, अकेले हो जाओ। फिर मुझे हॉस्पिटल से 3 या 4 दिन में छुट्टी मिल गई थी, और उन्होंने कहा था कि आपको आना पड़ेगा, जो स्ट्रेचेस है वो शायद उन लोग खोलते हैं जो भी है उसके लिए। तो यहाँ 3-4 दिन बाद घर आई, घर पे वैसे भी उठने बैठने में, नहाने धोने, खाने, मतलब हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड थे तो बहुत मेरी केयर किए, बहुत हेल्प किए। मेरे बाल वाल कितने गंदे हो गए थे, उन्होंने कैसे मेरे को मतलब चेयर पे रख के मेरे बाल धुले, मेरे कपड़े धुले, मतलब बहुत ज़्यादा केयर किए मेरा। और मेरा कोई भी यहाँ नहीं था, वो अकेले ही खाना बनाना, ऑफिस जाना, सब कुछ करना, अकेले मैनेज किए सब कुछ। और ये सब मैं हॉस्पिटल में, जब ऑपरेशन होता है सब कुछ निकाल देते हैं, बट मैं बाद में फिर पहन ली थी, क्योंकि सब खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर बाद में ये सब मैं गले वले में, कान वान में पहन ली, और थोड़े बहुत तैयार हो गई हूँ, क्योंकि बीमार जैसे लगने से और जैसे लगता है बीमार है, इसलिए मैं थोड़े बहुत तैयार हो गई हूँ। और मैं आज जा रही हूँ हॉस्पिटल ड्रेसिंग के लिए, फिर आकर आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल से आ गई थी, और यहाँ मैं मेथी साफ़ कर रही थी, और मुझे डॉक्टर ने बताया कि जो मेरे 3 जगह कट लगे थे उसमें से 2 जगह ठीक हो गई है, बट 1 जगह थोड़ा सा मतलब वहाँ की चमड़ी जुड़नी पड़ी और इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके जो ड्रेसिंग होगी पट्टी के लिए मुझे अल्टरनेट इस पे जाना है अभी, और मुझे हरी सब्जियाँ खाने को कहा है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी मेथी साफ़ कर ली हूँ, वो काट के रख दी हूँ, क्योंकि खाना तो मैं बना नहीं पाती, थोड़ा सा ज़्यादा देर तक खड़े रह नहीं पाती, तो मेरे हस्बैंड, मैं मेथी काट कर रख दी हूँ, मेरे हस्बैंड अभी आएंगे तो बनाएंगे इसलिए। और डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो मतलब 3 जगह कट किए थे वो लोग ऑपरेशन के लिए, बट उसमें से 2 जगह तो ठीक हो गई है, 1 जगह पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वहाँ की चमड़ी अभी जोड़ने पाई है, तो उसके लिए अभी मेरे को जाना पड़ेगा अल्टरनेट डेज पे ड्रेसिंग के लिए, वो लोग ड्रेसिंग करेंगे तो। लेकिन ड्रेसिंग करते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, और मैं तो हूँ ही डरपोक, थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा ही लगता है मुझे, तो चलिए मिलती हूँ थोड़े देर से आप लोगों को। और मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना रही थी, क्योंकि आप जब ठीक नहीं रहो आप हर जगह वीडियो नहीं बना सकते, तो यहाँ मैं वीडियो तो बना ही नहीं रही थी 3-4 दिन में, बीच बीच में जो वीडियो में से हो रहा था मैं शूट कर ले रही थी। यहाँ मैं खा रही थी मेथी के पराठे, मतलब ऑयली नहीं खा रही थी, बहुत कम ऑयल था, लेकिन हरी सब्जियाँ खानी है ताकि ब्लड थोड़ा बढ़े, तो यहाँ मैं मेथी पराठे खा रही थी, और मेथी, पालक, ये सब, चुकंदर, ये सब खा रही हूँ ताकि ब्लड थोड़ा सा अच्छा हो और जल्दी ठीक हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब।